आई सिस्टी, क्या कर रही है? Not now. अरे यार क्या हो गया? First date happened. अरे तो chill मारना, सांस ले, क्या हो गया? Chill dude, first date के बाद सबको होता है stress. Exactly, मेरे को तो date से पहले भी होता है, date पे जाने पे भी होता है, date जब हो रही होती है तब होता है, जब waiter आके order लेता है तब होता है, जब वो order लेके जा रहा होता है तब होता है, soup आके देता है मैं soup लेता हूँ फिर मेरे को ऐसे हो रहा होता है जैसे तू कर रही थी. क्या आपको भी ऐसी फीलिंग आती है फर्स्ट डेट के टाइम पे? सो टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, अगर आप सृष्टि की जगह होते तो क्या करते? यार चिल, फर्स्ट डेट के बाद सबको एंग्जाइटी होती है एंड अगर पसंद आ गया तो स्टेक्स और बढ़ गए ना. तुम लोग मेरा स्ट्रेस कम करने आए हो या भूख बढ़ाने आए हो? चिल मार यार, गाइस सी सिंपल डेटिंग फंडा. पोस्ट डेट स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इज एज नॉर्मल एज ट्रैफिक एंड तुमको कहीं पे भी जाना है तो पहुंच जाओगे बट उसके थ्रू ही जाएगा. मतलब तू कहानी सुनाना, फिर हुआ क्या? सो वी वेंट टू दिस कूल कैफे, ओके, एंड वी वर सिटिंग एंड एवरीथिंग एंड देन आई आस्क्ड हिम, If you don't mind, can I just go use the washroom? Cool. अरे तो? Cool. He said cool, which means उसको लगता है कि मैं अपना bladder नहीं control कर सकती, कि मैं उसको respect नहीं करती और date के बीच में मैं washroom चली जाऊँगी. You got all that from cool? Of course. Okay, not just that. उसके बाद when our pizza arrived, वो pizza को देख रहा था और मैं सोच रही थी कि वो उठा क्यों नहीं रहा है और वो सोच रहा था कि मैं क्यों नहीं उठा रही. And then he said, Have na. But Srishti, so what? He said have na ka matlab nahi pata tum logo ko. It means that he thinks that I'm going to have it na. That's why he asked me ki main book kar do. Isliye main pizza khaungi kyunki main nahi order kiya hai to main hi khaungi na. Aisa maine bilkul nahi socha tha. But anyway. And then when I asked him what does he think about this place, he said it's nice. Are but isme not nice kya hai? Of course not nice hai. Wo kehne ki koshish kar raha hai ki this place is nice. Lekin मैं अच्छी नहीं हूँ. I am not nice. Oh my God, no, no. इसीलिए शिवानी never went out with me on the second date. You know when I asked her, hey Shivani, how's the food? She said it's nice. Oh, and then she didn't meet you. Yeah, she did. How dare she? Like this is what I don't like. Always like this. Nice or cool जैसे words हैं ना, just remember it's their hints. Yeah, these guys are really blowing it way out of proportion. I think तुम लोग बहुत overthink कर रहे हो. Tell us in the comment section below कि आपका कभी overthinking वाला दिमाग high speed पे highway पे निकल चुका है क्या इनकी तरह? अगर ऐसा हुआ है तो please mention. Yeah, but at least tell us what to do then. मैं बताती हूँ. There was this guy who I really liked और उसने मुझे date के time पे बोला कि I have never been to Goa. और मैं पूरी रात बैठ के ओवरथिंक करने लग गई कि वाज ही आस्किंग मी कि मुझे उसके साथ गोवा जाना चाहिए. दैट इज हाउ द होल नाइट वाज स्पेंट. आई वाज ओनली ओवरथिंकिंग इट. वो तो रात में सोच रही थी ना, फिर अगले दिन क्या हुआ? मैंने सोचा कि ओवरथिंकिंग की गेम को ना जरा फुल स्टॉप मारते हैं एंड लाइक लेट्स जस्ट आस्क हिम आउट व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन. एंड देन आई आस्क्ड हिम आउट एंड वी वेंट आउट अगेन एंड फिर एक दिन हम लोगों ने गोवा का भी प्लान बना लिया और फिर उसके बाद दो हफ्ते बाद वी वर जस्ट लाइक चिलिंग एट द बीच. So here's another dating funda, okay? Whenever you like somebody, don't overthink it, man. Just go ahead, make the first move and ask him out. What's the worst that can happen? Are you trying to say that I should ask you out? But do you want to go out with him again? Exactly. I mean, yeah. So what are you waiting for? Your phone nikal aur abhi call kar use. Abhi. एक सेकंड पूछ तो ले, बोलना क्या है तू? ऐसी कॉल करके फिर वही बोलेगी नाइस हेलो कूल. डू वन थिंग, जस्ट बी ऑनेस्ट विद हिम, पिक आउट लाइक वन डिटेल फ्रॉम योर डेट जो तुझे याद है, व्हिच स्टूड आउट फॉर यू, एंड बी नाइस एंड स्वीट. बता दे उसे मन की बात, क्या फीलिंग है तेरी, बता दे ना. आई एम डूइंग इट, आई एम गोना कॉल हिम. ओके, या डू आई लुक गुड? देखो फोन करना है यार अर्जुन. फिंगर्स क्रॉस्ड. हेलो, हाय सिस्टी. हाय अर्जुन, आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू. नो यार, व्हाट्स अप? Nothing's up. I just I was thinking about you. Actually, our last date was so much fun, cribbing about that stupid butter paneer masala pizza. I was hoping that we could do it again. Yes, of course. I was so anxious to ask you out again. I thought you didn't like me. What? I thought you didn't like me. So tomorrow 8 PM. Yeah, tomorrow 8 PM. Okay, bye. मेरी शिवानी, उसका अगली बार देखेंगे, ठीक है? That's another dating funda. कि don't be afraid to express your feelings to somebody you like. Risk है तो इश्क है. हाँ, और इसकी बात हम लोग करेंगे next episode में.
बस मैं नहीं होंगी एंड आई रियली मिस दिस कॉफी. नो यू आर द बेस्ट विग वुमन एवर. आई मिस यू. आई मिस यू टू. Guys, so that you don't miss our next episode, please do not forget to like, share and subscribe to OkCupid